अजीत पवार बने हैं। आपको बताते चले कि एनसीपी के सदर शरद पवार ओहदे से हटा दिया गया है। शरद पवार को नेशनल प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाया अजीत पवार गुट का दावा पहले ही लिया जा चुका था। फैसला 30 जून को नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लिया गया था। फैसला महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल के बीच अजीत पवार गुट ने बड़ा दावा किया है। अजीत पवार गुट के मुताबिक शरद पवार को एनसीपी के सदर ओहदे से हटा दिया गया है। तो अजीत पवार के साथ अब खुद यहां एनसीपी के कौमी सदर ओहदे पर कब्जा कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि 30 जून को यहां नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया था। दिन भर के यहां नंबर गेम और ताकत के मुजाहिरे के बाद अजीत पवार ने एनसीपी का तख्ता पलट कर दिया है। इस बदलाव के बाद से ही शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अजीत पवार के इस कदम के बाद शरद हामी अरकाने असेंबली पर एमपी भी अपना पाला बदल सकती है। तो अजीत पवार पर बने एनसीपी के सदर, बताते चले आपको कि शरद पवार को ओहदे से हटाया गया है। शरद पवार को नेशनल प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाया अजीत पवार गुट का ये दावा है कि पहले ही फैसला जो है वो लिया जा चुका था। तो अजीत पवार जो एनसीपी के सदर अब नहीं, उनको हटा दिया गया है ओहदे से। आपको बताते चले कि 30 जून को नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला लिया था। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल के बीच अजीत पवार गुट ने बड़ा दावा किया है। अजीत पवार गुट के मुताबिक शरद पवार को एनसीपी के सदर ओहदे से फिलहाल हटा दिया गया है। तो अजीत पवार ने अब खुद यहां एनसीपी के कौमी सदर ओहदे पर कब्जा कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि 30 जून को यहां नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया था। दिन भर के नंबर गेम और ताकत के मुजाहिरे के बाद अजीत पवार ने एनसीपी का तख्ता पलट कर दिया है। इस बदलाव के बाद से ही शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अजीत पवार ने इस कदम के बाद शरद हामी अरकाने असेंबली और एमपी भी अपना पाला बदल सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 30 जून को ही नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह अहम फैसला ले लिया था। तो महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल के बीच अब यहां अजीत पवार गुट ने बड़ा दावा कर दिया है। अजीत पवार गुट के मुताबिक शरद पवार को एनसीपी के सदर ओहदे से हटा दिया गया है। अजीत पवार ने अब खुद यहां एनसीपी को कौमी सदर ओहदे पर कब्जा कर लिया है।